कुछ तरह के भोजन के लिए ज़ॉम्बी पूरी तरह से पागल हो जाते हैं, जबकि मनुष्य घृणा से चिल्लाते हैं। लेकिन हर किसी को यह डरावनी चीजें खानी पड़ेगी, क्योंकि यह एक सुपर चुनौती है। भूखे ज़ॉम्बीज कभी नहीं रुकते और उन्हें जो मिलता है वो खा जाते हैं, चाहे वे छोटे बड़े या चम्मच से खानी हो। एशली तो अपनी चाय पीते पीते बोर हो जाती है अगर रायन और उसकी नई दोस्त ऐसे बिना बिताए नहीं आते। हे भगवान, ये ज़ॉम्बी है। हाँ तो क्या, तुम पहले कभी एक ज़ॉम्बी को नहीं देखा है? एशली, तुम तो स्वादिष्ट लग रही हो। नहीं एमा, हमने इसके बारे में बात किया था, किसी को भी काटना नहीं है, लेकिन वो कितनी स्वादिष्ट लग रही है। एशली तो जरा सा भी हिलने से डर रही है, कोई जल्दी एमा को कुछ खिलाओ। एक बड़ी, मध्यम और छोटे चम्मच तैयार रखो, ये चुनौती शुरू होने वाली है। धूल और कीड़े, ज़ॉम्बीज के लिए एकदम सही डिश। यह तो अति उत्तम है, क्या मैं खाना शुरू कर सकती हूँ? छी, कितना गंदा। पहले हमें पता लगाना होगा कि हमारे प्रतियोगी को कितना खाना होगा। बेचारे रायन को सबसे ज्यादा मिला है। एशली भी अपने मध्यम हिस्से से खुश नहीं है, लेकिन इन दोनों की तुलना एमा से नहीं की जा सकती है। इतनी छोटी सी चम्मच, क्या कोई मजाक है? अरे यार, ज़ॉम्बी नियमों के हिसाब से मैं इसे अपने हाथों से खा सकती हूँ। ये क्या अजीब है, मीठा है। यह तो पुराने धूल और कीड़ों के जितना बिल्कुल अच्छा नहीं है, जरा सा भी करीब नहीं। छी, हर किसी को यह खाना होगा। एशली बहादुरी से एक कीड़ा उठाती है खाने के लिए। बेहतर होगा कि तुम अपने आँख बंद कर लो। ओह, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है, यह तो एक मीठा सा गमी वॉर्म है। एशली तो बहुत खुश है और उसके चेहरे को देखकर उसे काफी अजीब महसूस हो रहा है। रायन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है और वह आश्वस्त नहीं है कि कटोरे में जो है वह खाई जा सकती है या नहीं। लेकिन वो और गलत नहीं हो सकता था, ये खाई जा सकती है और इसे खाना भी चाहिए। तो उस बड़े चम्मच को निकाले और खाना शुरू करो। मेरे पास मेरा मध्यम आकार का चम्मच है, मैं बहुत सारा यह चॉकलेट डर्ट को उठाती हूँ। ओह, और एक स्वादिष्ट गमी वॉर्म के बारे में नहीं भूल सकती। मुझे तो अब लग रहा है कि अब एशली की भूख भी एमा की तरह हो गई है, लेकिन एमा इतनी भूखी है और वह रायन को वह भयानक कैंडी अपने मुंह में भरते हुए नहीं देख सकती है। रायन को तो पसंद है और इस तरह उसके लिए ज्यादा है खाने के लिए। ये बहुत ही निराश होने वाली बात थी, मैं उदास हूँ। वाह, एक कटोरी भरकर रामेन नूडल्स। ओह, इसकी गंध। एशली तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। एमा और रायन को आशा है कि उन्हें सबसे बड़ी चम्मच मिले। आशा है कि तुम दोनों को यही मिले। चलो देखते हैं। ओह, एशली को तो सबसे बड़ा चम्मच मिला है। अरे यार, मुझे सबसे कम खाना मिलेगा और मैं उम्मीद कर रहा था कि सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। इस छोटे चम्मच पर तो थोड़ा भी नहीं आ रहा है, यह बिल्कुल सही नहीं है। खैर, जो भी हो, थोड़ा सा सूप ही अच्छा है। इतनी निराशा वाली बात है, तब भी अच्छा है। अब मेरी बारी है, मुझे दो। आखिरकार अब मुझे वास्तव में खाने को मिलेगा। इसकी गंध तो अद्भुत है और ये कितने प्यारे कीड़े की तरह भी लगते हैं। हाँ, यह हुई ना बात, एक ज़ॉम्बी को चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाई जा सकती है उन्हें रामेन देकर। जब तक एमा को उसे दी गई है, उसका आनंद ले रही है, तब तक एशली कोशिश कर रही है कि वह रो ना दे। चलो उदास मत हो, तुम्हारे आंसू से यह डिश और नमकीन हो जाएगा और यकीन मानो कि तुम यह नहीं चाहती। उफ जी, मैं यह नहीं कर सकती, मैं यह नहीं करूंगी। मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हम सभी को चाहिए आइसक्रीम। लेकिन शायद ज़ॉम्बी एमा को छोड़कर उसने पहले इसे कभी नहीं खाई है। चलो शुरू करते हैं और कार्ड बांटते हैं, इससे पहले कि यह स्वादिष्ट चीज पिघल जाए। मुझे मध्यम मिला है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। एमा को बड़ा चम्मच मिला है और रायन को छोटा। हमारे दोस्त को अब जल्दी और ध्यान से अपना हिस्सा खाना है। हाँ, ऐसे ही, चलो मजा लो। आइसक्रीम तो अद्भुत होती है, स्वादिष्ट। एशली को हड़बड़ी नहीं है ये देखने के लिए कि एमा उस ठंडे डेजर्ट को कैसे खाएगी। देखो एमा, इंसान ऐसे खाते हैं। वाह, कितना मलाईदार और स्वादिष्ट। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस दौर में हमें इतनी स्वादिष्ट चीज मिली। ओह, यह वास्तव में ठंडा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैं अपने लिए ज़ॉम्बीज के लिए जो बेस्वाद सफेद चीज होती है वह ले लेती हूँ। ओह, तुम मजाक नहीं कर रही थी एशली, यह तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। ओह, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, कोई मदद करो। एमा जम गई है। एशली और रायन को तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। चलो जाओ और ज़ॉम्बी की मदद करो। हाँ हाँ, उसे जितना गर्म कर सकते हो करो। क्या यह काम कर रहा है?
अरे यह क्या बकवास है, क्या मैं नॉर्थ पोल में पहुंच गई हूँ? ओह, एमा वापस आ गई है, लेकिन उसने बाकी लोग को डरा दिया था। ओह, लगता है कि एमा को वापस जमने का मन है और वो अपना हाथ आइसक्रीम की ओर बढ़ा रही है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है और ज़ॉम्बीज के लिए और आइसक्रीम नहीं। बस तुम रुको, मैं दोबारा अपने हाथों को इस ठंडे डेजर्ट पर लगाऊंगी। न्यूटेला को कोई ना नहीं करता है, और ऐसा कोई क्यों करेगा? हर कोई कहता है कि यह स्वादिष्ट है ना? खैर, यह इंसानों के लिए तो सच है, लेकिन ज़ॉम्बीज का क्या? शायद ये किसी तरह से धूल की तरह का होगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, बस कहो कि यह मीठा ना हो। रुको, ऐसे नहीं होता है एमा। ओह, तुम कितनी मजेदार हो, क्या तुम चम्मच के बारे में भूल गई? कार्ड्स मुझे दो, इस बार मैं तय करूंगी कि किसे क्या मिला है। पर मुझे क्या चाहिए, बड़ा, मध्यम या छोटा? अरे एमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ज़ॉम्बीज को भी नियमों का पालन करना होता है। ठीक है रायन, तुम अपना बड़ा चम्मच ले लो और खुश रहो। और यह रहा मध्यम तुम्हारे लिए। एश्ली, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों को कोई शिकायत नहीं है। मैंने फैसला लिया कि इस बार कोई जोखिम ना उठाऊं, मैं इस छोटे चम्मच के साथ खुश हूँ चाहे जो भी हो जाए। अब समय आ गया है, खोलो इसे। ज़ॉम्बीज न्यूटेला को देखती है और लगता है कि एमा सुखद आश्चर्य में है कि यह मानव उत्पादन उसके पसंदीदा स्नैक कीचड़ के समान है, देखने में, स्वाद में नहीं, लेकिन इस मामले में वह डट से बेहतर निकली। एमा को वह चॉकलेट काफी पसंद आया। अरे एमा, तुम्हें अभी भी दूसरों के साथ शेयर करना होगा। एश्ली अपने मध्यम आकार के चम्मच से जितना हो सकता है उतना निकालने की कोशिश कर रही है। रायन धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है, उसे सबसे ज्यादा मिलता है, भाग्यशाली है वो। केवल वह बड़ा चम्मच उसके जार में समा नहीं रहा है। खैर रायन, लगता है कि मैंने तुम्हें सही कार्ड दिया था। अरे एश्ली, देखो यह कितना मजेदार है। पर रायन हार मानने वाला नहीं है। क्या आपको पता है कि न्यूटेला हाथ से खाया जाने वाला खाना है? रायन को ऐसा ही लगता है। ओह हाँ, यह चम्मच का उपयोग करने से भी बेहतर है, स्वादिष्ट। रायन, तुम्हारा चेहरा न्यूटेला से ढका हुआ है, अच्छी चॉकलेट की दाढ़ी, आई बॉल और कॉकरोच। खैर, यह तो ज़ॉम्बीज के लिए सुभोजन होता है, पर यह रायन और एश्ली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कृपया मुझे कोई बताओ कि उस कटोरे में कुछ सामान्य और खाने वाली चीज हो। रायन को यह देखकर बहुत घबराहट हो रही है कि उसके कौन सा कार्ड मिला है, मध्यम। एश्ली को भाग्य से छोटा मिलता है और एमा बड़ी विजेता है। वह बड़े चम्मच के साथ उस डिश पर हमला करेगी। यहाँ यह लो एश, आई बॉल। हाँ, हे भगवान, क्या यह मेरे मुँह में है? हाँ, यह अच्छा है ना? बस चबाओ और निगलो, वास्तव में जल्दी चबाओ और निगल लो। छी, अब मैं इसे भूल जाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी कोई चीज खाई है। ओ भगवान, नहीं, मुझे इस प्रदर्शन को दोहराना होगा, वह भयानक था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह बहुत अच्छा है। रायन आश्चर्यजनक रूप से इस आईबॉल को खाने में सक्षम है। यह ऐसा होगा वह किसी ने नहीं सोचा था, खास करके एश्ली ने। वो अभी भी अपने चम्मच को नीचे रखने की कोशिश कर रही है। एमा हालांकि काफी उत्साह से उस सारे बचे हुए खाने पर अपना दावा कर रही है। उस आईबॉल और कीड़े को देखकर उसके जीभ में पानी आ रहा है। अरे नहीं, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ओ, एमा ने पूरे चम्मच भरकर उस ज़ॉम्बी स्नैक को मुंह में डाल लिया है और रायन और एश्ली सदमे में है। क्या ऐसा करने के लिए उसने अपने जबड़े को बड़ा कर लिया था? उसने उसे चबाया भी नहीं और वह खत्म भी हो गया। इस मकरी को मेरे पेट में आने का रास्ता खोजना होगा। अब यह क्या है, एक कटोरा खून? एश्ली हमेशा की तरह बाहर निकलना चाह रही है और रायन का भी कुछ ऐसा ही विचार है, पर एमा के हिसाब से चीजें अब अच्छी हो रही है। अब यह बहुत ज्यादा हो गया, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, यह वास्तव में जिसे बड़ा चम्मच मिलेगा उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। अरे एमा, सपने से बाहर निकलो। अरे हेलो, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरे पास क्या है? हाँ, बड़ा चम्मच, वाह, मैं इसे खत्म करने जा रही हूँ। एश्ली ज़ॉम्बी से ज्यादा नहीं खा पाएगी, जिसका अर्थ है कि रायन राहत की सांस ले सकता है। उसे केवल एक चम्मच ही खाना होगा, क्या हम इसे पहले ही कर लेंगे? रायन बस उस लाल पदार्थ को अपने चम्मच पर थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा है। एश्ली भी इससे दूर नहीं जा पाएगी। एमा थोड़ी हैरान है कि रायन वास्तव में ऐसा कर रहा है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैं डर रहा था, यह तो बस साधारण टमाटर का पेस्ट है, लेकिन मैं एश्ली और एमा को यह नहीं बताऊंगा, उन्हें खुद ही पता लगाने दो। एश्ली अपनी इच्छा शक्ति की अपनी आखिरी बूंद को और अपने हाथ के मध्यम चम्मच को एक साथ इकट्ठा किया है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि जितना उसे खाना है खा ले, हालांकि वह बहुत ज्यादा नहीं है। उसके मुँह की ओर एक निर्णायक कदम और छी, नहीं, बस नहीं, मैं नहीं कर सकती। यह एमा इस धारणा में है कि अगर एश्ली को यह पसंद नहीं आया तो उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे इसे
खत्म करने की अनुमति दो और इसके लिए मेरे पास अपना सुपर साइज का चम्मच है। ओ, मुझे आखिर का लाल लाल खून दिखाई दे रहा है। लगता है अम्मा के ऊपर कुछ सवार हो गया है। क्या वह कार्य पूरा कर पाएगी? वह बस खाना शुरू कर दी है। हाँ, रायन वह इस पूरे कटोरे को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। कुछ ऐसा जो तुम्हारे और एशली के लिए काफी कठिन है, पर अम्मा के लिए पार्क में टहलने जितना आसान है। बहुत बढ़िया, क्या कुछ और है? ग्रैंड फिनाले में चमकीले बहुरंगी स्वादिष्ट M&M's शामिल होंगे। इस दौर में एशली बड़े चम्मच के साथ आना चाहती है। रायन भी ना तो नहीं ही कहेगा, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एमा को पसंद नहीं आएगा। यह छोटी कैंडी कीड़े और खून से काफी दूर है, तो वो उसे कैसे पसंद आएंगे? अब यह देखने का समय है कि किसे क्या मिलेगा। इसे अच्छे से मिलाओ एमा। इस आखिरी दौर में हमारी हमेशा की भूखी ज़ॉम्बी वास्तव में छोटा चम्मच पाने के लिए अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को क्रॉस करके है। तुम भागशाली नहीं निकली एमा, वो कार्ड एशली को मिल गया है। चुनौतियाँ उनकी निष्पक्षता के लिए नहीं जानी जाती हैं, आपको पता ही है। रायन को बड़ा चम्मच मिल गया है, इसका मतलब है एमा को उससे ज्यादा कैंडी खाना पड़ेगा जितना कि उसने योजना बनाई थी। अरे यार, यह चम्मच तो बहुत छोटा है, पर मैं इसे भरने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। देखो, अब मुझे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ये सभी गिर जाएंगे। ओह, और एमा के द्वारा किया गया एक आकस्मिक टक्कर से सब गड़बड़ हो गया। पर एशली उसे रोकने नहीं दे रही है, उसके और कैंडी के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। क्या एमा M&M के लिए अपना प्यार दिखा पाएगी? कुछ मुझे बता रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। छी, ये तुम लोग कैसे खाते हो? एमा, तुम अच्छे भोजन के बारे में कुछ नहीं समझती। ये मेरे पसंदीदा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसे पसंद नहीं करती हो। जानकारी मिल गई, M&M ज़ॉम्बीज के लिए नहीं होते हैं, पर रायन के लिए। हाँ, भाग्य मेरे साथ है, मैं इन सबको पूरा खा जाऊंगा। कितने शर्म की बात है कि एशली को एक मिला, एमा ने उसे ऐसा ही काट दिया। लेकिन नियम एक कारण से है और इसलिए उन्हें अपने पूर्व निर्धारित भागों के साथ निर्धारित करना पड़ा। चुनौती पूर्ण। हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा कि एक ज़ॉम्बी को क्या खिलाना है ताकि वे आपको छोड़ दे। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों।